आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। आधा बिहार बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। पानी में जीवन यापन लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा हो गया है। ऐसे में बिहार की बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पोल खोलकर रख दी है। इन महिलाओं का कहना है कि सरकार को सिर्फ वोट से मतलब है, वोट लेने के बाद गरीब जनता से इन नेताओं का मतलब पूरा हो जाता है। सहरसा जिले की रहने वाली महिलाओं का कहना है कि मेरा गांव बाढ़ के पानी में कई दिनों से डूबा हुआ है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा खाना पानी देने के लिए यहां नहीं आया है, ना ही हालचाल पूछने आया है। हालांकि इन महिलाओं ने मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव को धन्यवाद दिया, क्योंकि इन्होंने इन इलाकों के लिए लोगों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की है और बाढ़ पीड़ितों की स्थितियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पप्पू यादव अपने खर्चे से बाढ़ पीड़ितों का खाना खिलाने के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि बिहार के 12 जिलों में 68 प्रखंडों में और 444 गांवों में करीब 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, अररिया, सुपौल, मधुबनी, शिवहर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, मोतिहारी और पूर्णिया शामिल हैं। बाढ़ के कारण अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को 6000 रुपये सीधे उनके खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पीड़ितों को राहत तो मिल रहा है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगभग 149 राहत शिविर बनाए हैं। इन राहत शिविरों में 1 लाख से ज़्यादा लोग ठहरे हुए हैं। इन शरणार्थियों को खाने पीने की व्यवस्था के लिए 300 से ज़्यादा सामुदायिक रसोई का निर्माण किया गया है। SDRF के साथ साथ NDRF की टीम भी बाढ़ में फंसे लोगों की बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बिहार सरकार द्वारा आपातकालीन नंबर 0612-2294-204, इसके बाद 10 और 5 अन्य अंकों को लगाकर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।